हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। निखिल आनंद जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, महासचिव हैं ओबीसी मोर्चा के, अतुल पाटिल साहब हैं कांग्रेस प्रवक्ता, और अमिताभ तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले निखिल जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी ने कहा है कि देश भर में जो ओबीसी मोर्चा है वो अभियान चलाएगा, पर 1 करोड़ परिवार से संपर्क किया जाएगा। बीजेपी क्यों इसको इतना बड़ा मुद्दा बना रही है, जबकि इस मामले में अब अदालत का फैसला भी आ चुका है? देखिए, ये सिर्फ अदालत के फैसले की बात नहीं है, और जिस तरीके से पिछले दिनों जब से नरेंद्र मोदी जी राजनीति में आए हैं, खून का सौदागर, कोई रावण कह देता है, कोई उनकी जाति को इंगित करके उनको अपमानित करता है। अखिलेश जी, इस देश में किसी भी शब्द से जो समुदाय को इंगित करता है, हम कोई एब्यूज या स्लर लॉन्च नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, इस देश में भाट और चारण दो जातियां भी हैं, हम किसी को भाट चारण भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में किसी एक तेल पेरने वाले समाज, जो एक बड़ी आबादी है इस देश में और पुरातन परंपरा से जुड़ी हुई आबादी है, उसको अगर जातिगत टिप्पणी के आधार पर आप कोई अब्यूज करते हैं, तो क्या यह गलत नहीं है? किसी भी दलित जाति में, किसी भी जाति का हो, अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय से हो, आप जातिगत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। SC ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत आप पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। देखिए, सभी का सम्मान है, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी में सोशल सेंसिटिविटी की कमी है। एनी कम्युनिटी बिलोंगिंग टू ओबीसी ईबीसी, देखिए नरेंद्र मोदी जी तो आज हमारे ओबीसी इमेंसिपेशन के एक सिंबल हैं, ही इज द सिंबल, और ओबीसीज आर टेकिंग प्राइड ऑफ नरेंद्र मोदी जी। हम सभी को नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है कि एक पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का बेटा होने के बाद जितने संघर्ष से वो जिस मुकाम पर, जिस ऊंचाई पर पहुंचे, हम सभी के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत है जी। और आज ओबीसी जातियां क्यों नहीं कहेगी? जिन लोगों ने काका कालेलकर आयोग को डस्टबिन में फेंक दिया, मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया, नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। देश की आजादी के बाद पहली बार 27 ओबीसी मिनिस्टर्स आज देश में। ओबीसी के लिए वेंचर कैपिटल फंड, नीट में ओबीसी को आरक्षण। मैं तो कहता हूं कि मंडल कमीशन का जो निर्णय हुआ, वीपी सिंह ने किया, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही थी, और मंडल कमीशन का जब गठन हुआ तो जनसंघ का समर्थन था। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने हाल के दिनों में ओबीसी वेलफेयर के लिए जो काम किया है, मैं कहता हूं कि देश की आजादी के बाद ठीक है नरेंद्र मोदी जी से बड़ा काम किसी ने नहीं जी। अतुल जी को लाना चाहूंगा। अतुल पाटिल जी, बीजेपी ने ओबीसी मुद्दे पर अब ज्यादा फोकस करने का फैसला किया है इस पूरे घटनाक्रम के बाद, आपको क्या लगता है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में अगर ये मुद्दा बीजेपी प्रमुखता से उठाती है तो क्या कांग्रेस को भारी पड़ सकता है? नहीं, ऐसा अकेले जी पूरे दुनिया को मालूम है, देश को मालूम है कि ये मनुवादी विचारों से जुड़ी हुई पार्टी है, जिन्होंने सदियों से पिछड़ी जातियों को, आप जातियों की प्रताड़ना की है, उनका प्रतिशोधन किया है, और उन्हें एक ऐसे तबके में ढकेल दिया है जो बाद में आंदोलन हुआ, कांग्रेस का भी आंदोलन हुआ। इन्हें बता दूं मैं, 1917 में अस्पृश्यता निवारण का जो पहला रेजोल्यूशन आया वो कलकत्ता के अधिवेशन में आया। ये ग्रो होते होते जो है उनको अधिकार दिए गए, और सारे अधिकार कांग्रेस के जमाने में ही मिले हैं। मंडल के खिलाफ कमंडल का आंदोलन किसने किया पूरे देश को पता है, उसके बाद जिस तरह का आंदोलन चला ओबीसी को आरक्षण देने के बाद, मैं बीच में बोला नहीं। निखिल जी आगे बात अपनी रखने दीजिए अतुल जी को। जी अतुल जी बोलिए, जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे जी। मुझे मौका देंगे तो मंडल, मैं आपके पास आऊंगा निखिल जी, आपको मौका दूंगा जवाब देने के लिए। आप अतुल जी को अपनी बात के खिलाफ कमंडल और जिस तरह से खुद को जलाकर लेने तक की जो आंदोलन हुआ है वो सारे देश ने देखा है। अभी इस्तेमाल चक्रव्यूह में फंस गए हैं, क्योंकि अदानी को बचाना है, इनके लिए दोस्त महत्वपूर्ण है, इनके लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है। राहुल जी देश के लिए लड़ रहे, रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए वो नीरव मोदी जिसने इस देश की चोरी की है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ डावोस जाता और वहां से परिवार को लेकर। लेकिन अतुल जी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, और आपके जो नेता है खड़गे जी, उनकी ओर से कहा था या तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो जाए या फिर जेपीसी बन जाए, तो कमेटी बन तो गई है। बहरहाल अमिताभ तिवारी जी को मैं लाना चाहता हूं चर्चा में। अमिताभ जी, आप किस तरह से देखते हैं जो ओबीसी कार्ड बीजेपी खेल रही है? बीजेपी को लगता है कि जो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव है उसमें एक बड़ा मुद्दा ये हो सकता है? अमिताभ जी, अखिलेश जी आपने मुझे बात नहीं करने दिया, आपको मैंने पूरा मौका दिया था, आपको पूरा मौका दिया था, आपसे सवाल कुछ पूछा था, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं।
नहीं नहीं अमिताभ मैं जी जवाब आपसे दूंगा, आपके मैं पास आना पहले चाहूंगा बोल दूं, अमिताभ आप जी पर लेक्चर दे रहे हैं। मुझे 10 सेकंड और दीजिए, मेरी विनती आपसे, मुझे 10 सेकंड और दीजिए। जी तो आज के तारीख में जब जातिगत जनगणना ओबीसी के लिए महत्वपूर्ण, उनके रिजर्वेशन के लिए नहीं दिया, महाराष्ट्र में इन्होंने ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म किया है 2 साल से, कोई भी महानगर पालिका नगर पालिका में उसके चुनाव नहीं हुए, तुषार मेहता जो महाधिवक्ता है वो खड़े नहीं होते हैं और फिर डेट पे डेट मिलती है। तो ये सारा इनका जो है ये क्या है कि बिल्कुल इस मोदी मुद्दे जो पे है निखिल जी का जवाब लूंगा कि मोदी कई राज्यों में नरेंद्र चुनाव मोदी क्यों नहीं हो पा रहे हैं, और ये जो मांग उठ रही है जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, इस पर आखिर क्या है? नेता नहीं मानने वाला है। लेकिन अमिताभ जी आप इसको किस तरह से पॉलिटिकली सिग्निफिकेंस देखते हैं कि जो राहुल गांधी का सदस्यता जाना और उसके बाद कांग्रेस का सड़कों पर उतरना, क्या ये एक विपक्षी एकता की धुरी बन सकता है? क्योंकि ऐसी पार्टियां विपक्ष की जो अभी तक राहुल के नाम पर भिदकती थी, ममता बनर्जी, टीएमसी, वो भी इस कार्रवाई का विरोध कर रही है। देखिए, विपक्षी एकता की दूरी बन सकती है, लेकिन एक 100% यूनाइटेड ऑपोजिशन होगा ऐसा तो मुझे लगता नहीं है, जैसा 1977 में लगभग हो पाया था। ओबीसी, देखिए ये इस मुद्दे के बहुत पहलू है, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ध्यान दिया तो ओबीसी का अपमान, उनकी एंटाइटलमेंट की बातें, रिपीट ऑफेंडर है, डेमोक्रेसी खतरे में है, ऐसे बयान देते हैं। तो एक ही इशू पे बीजेपी उसके बहुत सारे सब मैसेजेस करके उसको लोगों तक लेके जा रही है, और इसका कर्नाटक चुनाव में असर होगा या नहीं होगा वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि कांग्रेस इसको कैसे टैकल करती है। अभी तक मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऐसा मजबूत बयान आता हुआ नहीं देखा गया जिसमें उन्होंने ओबीसी समाज का अपमान हुआ हो, इसको सीधे सीधे टैकल किया है। देखिए, हालांकि खरगे जी ने सुबह कहा है, उन्होंने कहा कि इसको ओबीसी के अपमान से जोड़ना ठीक नहीं है, खरगे जी ने इस बात का खंडन किया। ठीक नहीं है, लेकिन बेस क्या है इसका? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है ओबीसी के लिए? आज 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, दोनों में ओबीसी चीफ मिनिस्टर है। तो मैसेजिंग की एक 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 लॉजिकल कंक्लूजन देना होता है किसी भी बात को, पहली बात। दूसरी बात, ये सिर्फ सदस्यता की बात नहीं है, अगर कन्विक्शन हो जाता है तो 2 इयर्स प्लस 6 इयर्स, ये राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर की भी बात है। 2029, 24 और 29 दोनों में शायद चुनाव नहीं लड़ पाए अगर उनको कन्विक्शन हो जाता है तो। और ये कांग्रेस की जो लीगल टीम है, जो बहुत सारे बड़े लॉयर्स राज्यसभा में जीत करके चुनाव आते हैं, कांग्रेस जिनको जिताती है, उनका भी टेस्ट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना, चैनल्स पे बात करना अलग बात है, उनकी दलील कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है उनकी दलीलों की, तभी तो ये सजा हुई है। तो ये पूरा पूरे पूरे के पूरे इकोसिस्टम की बात है कांग्रेस पार्टी की। हालांकि ये क्राइसिस है, इसको अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया जा सकता है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि सिंपथी इससे हमें मिल सकता। कांग्रेस कहती है कि उन्होंने ऐसा करके दिखाया भी है, 78 की बात वो करते हैं जब इंदिरा जी को निकाला गया था और उसके बाद 80 में उन्होंने वापसी की थी। निखिल जी, क्या ये बीजेपी को भारी भी पड़ सकता है अगर सहानुभूति राहुल के साथ चली जाए तो? देखिए, सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी जो विक्टिम कार्ड प्ले करना चाह रहे हैं और सहानुभूति बटोरना चाह रहे हैं, तो राहुल गांधी को एक भले ही फायदा हो जाए कि वो कांग्रेस के सुप्रीम लीडर बन के उभर जाए, लेकिन पूरे अपोजिशन के लीडर बन जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि नीतीश कुमार, केसीआर, ममता बनर्जी सभी लालू राहुल गांधी के पीछे झोला झंडा लेकर खड़े हो जाएंगे, उनका जयकारा लगाएंगे। और एक बात स्पष्ट कर दूं कि ओबीसी की बात बार बार क्यों होती है। कांग्रेस के एकमात्र इलेक्टेड ओबीसी प्रेसिडेंट सीताराम केसरी जी थे, क्या देश की जनता भूल गई है कि उनको जिस तरीके से कपड़े फाड़ कर धकिया कर उसी कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकाला गया था? सीताराम केसरी की कोई जयंती मनाता है क्या? सीताराम केसरी की तस्वीर कांग्रेस दफ्तर में है क्या? निखिल जी माफी चाहता हूं, मेरे पास समय की कमी है, है। संक्षेप में अतुल जी आपसे इसका जवाब चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी, ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी के हितों की सुरक्षा नहीं कर पाती है और अपने ही नेताओं को भूल जाती है, संक्षेप में बतुल जी। देखिए, सीताराम केसरी जी की तस्वीर है, निखिल जी मेरे साथ चले कांग्रेस दफ्तर में, मैं उनको दिखा दूंगा सीताराम केसरी की तस्वीर है। और आज हमारे जो अध्यक्ष है वो खरगे जी जो है वो भी दलित समाज से आते हैं। महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले वो ओबीसी है, भूपेश बघेल जी ओबीसी है, तो गहलोत जी ओबीसी है, दलित हो, मुस्लिम हो, ओबीसी हो, इसको न्याय देने का काम किया है। ये मनुवादी लोग जो है, ये बताया ना नाना पटोले जी अध्यक्ष थे तो उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था कि जातिगत ओबीसी की जनगणना हो। वो आप एमपीज के क्लास प्रोफाइल देख लें,
वहां भेजा है और जो अमित शाह जी ये बोलते हैं कि मैं बीच में नहीं बोला था निखिल जी, बीजेपी में सबल्टर्न संख्या है वो ज्यादा सबल्टर्न तो डाइवर्सिटी बीजेपी में दिखेगी। जातिगत जनगणना ओबीसी की नहीं करेंगे क्योंकि ये ओबीसी को न्याय नहीं देना चाहते हैं। और एक चोर और नीरव मोदी और कौन चोर एक जिस तरीके से एलिटिज्म कोई ओबीसी लगाएगा नहीं, क्या ओबीसी अपने आप यही कारण है कि आज जमीन से नहीं जुड़ पाई क्या ओबीसी? कांग्रेस देश की आजादी के बाद निखिल जी अतुल जी माफी चाहता हूँ, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, ना हम तक पहुंच पा रही, ना जनता तक पहुंच पा रही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि ये जो गर्मी दिख रही है ये जब आप चुनाव मैदान में होते हैं तब अपनी अपनी बात ढंग से रख पाए ताकि लोग इस पर फैसला कर सकें कि ये मामला आखिर जो हुआ है इस पर उनकी क्या राय। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।